विजयपुर उपचुनाव मंत्री रामनिवास रावत की हार, कैलाश कुशवाहा का कांग्रेस के जीत में अहम योगदान। मध्य प्रदेश के विजयपुर और बुधनी सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। दोनों ही सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। बुधनी सीट शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई, जबकि विजयपुर सीट कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत में बीजेपी में शामिल होने के बाद खाली हुई थी। विजयपुर में कुल 11 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा और बीजेपी के रामनिवास रावत के बीच रहा। इस चुनाव में कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर करते हुए विजयपुर सीट पर कब्जा जमाया। कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा ने मंत्री रामनिवास रावत को 7,364 वोटों के अंतर से हराकर यह जीत हासिल की। मल्होत्रा को कुल 1,04,069 वोट मिले, जबकि रामनिवास रावत को 93,105 वोटों पर सिमट गए। विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस के जीत में पोहरी विधायक कैलाश कुशवाहा का अहम योगदान रहा। विजयपुर का क्षेत्र पोहरी से सटा हुआ है और यहां कुशवाहा मतदाताओं की भूमिका निर्णायक मानी जाती है। कैलाश कुशवाहा ने इन मतदाताओं को कांग्रेस के पक्ष में लामबंद करने के लिए दिन रात मेहनत की। उनकी प्रभावशाली रणनीति और स्थान स्तर पर मजबूत पकड़ ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विजयपुर और पोहरी दोनों सीटें ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आती है, जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और ग्वालियर लोकसभा सांसद श्री भारत सिंह कुशवाहा का प्रभाव माना जाता है। भारत सिंह कुशवाहा 2013 और 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से चुनकर गए थे और राज्य सरकार में बागवानी और प्रसंस्करण मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने ग्वालियर सीट से जीत दर्ज की। हालांकि विजयपुर के कुशवाहा मतदाताओं को आकर्षित करने में भारत सिंह कुशवाहा अपेक्षित प्रभाव नहीं डाल सके। विजयपुर के स्थान स्तर पर कांग्रेस के कैलाश कुशवाहा की सक्रियता और मजबूत पकड़ ने बीजेपी की इस उम्मीद को कमजोर कर दिया कि भारत सिंह कुशवाहा का ग्वालियर संभागीय प्रभाव विजयपुर में मतदाताओं को लुभा सकेगा। विजयपुर उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार ने यह साबित कर दिया है कि केवल क्षेत्रीय प्रभाव या पार्टी का नाम ही काफी नहीं होता, बल्कि स्थानीय नेताओं की सक्रियता और रणनीति चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा